आज हमारी गुनगुन जा रही है घर तो हमको लगे का खड़ू रहे तिचो खज्जा की पूछ रहा तो ऐसी है लेकिन जो इतनी सी पूछ देखो भाई ये इसको तो हंस रहा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी को राधे राधे। तो गाइज आज हम उठ चुके हैं जल्दी क्योंकि तारा बहन को जाने पृथ्वी पर तक छोड़ भी उन्हें बस में बैठा लिया है, फिर स्टैंड पर तो जीजा जी आ जाए ले भी खिलाना है। तो आज देखो जल्दी उठ गए और दिखा रहे हैं हम तैयारी पूरी हो चुकी है, बस निकल रहा है पृथ्वी पर खिलाना। देखिए तो पापा बैठे, पापा भी जल्दी आ गए बाड़ी, पापा राधे राधे। तो देखो तारा खिलाना है, देसी टमाटर ले आए जी तोड़ के लगे हैं थे हमारे से, ये तोड़ लिया ब्लास्ट सारी जी बोरी में सामान वामान रख दो। और देखो 5 टमाटर जी रखे जी यही में भाई दो जी, पापा ने 4-5 टमाटर सैंपल की तौर पे देखो जी रख दे थे और बाकी पन्नी की पूरी पैक कर दी कि जी ले जाओ बाकी 4 टमाटर जी छोड़ जाओ। अब देखो वही में रख रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारी गुनगुन बिटिया का हो रहा है नाश्ता। आज हमारी गुनगुन जा रही है घर तो हमको लगेगा बहुत बुरा। गुनगुन राधे राधे बोल दो एक बार। अच्छी हो तो अपने घर जा रहे हैं तो रुक जाओ आज, कल चले जाइयो कि जाने हैं। तो गाइज हमारी गुनगुन बिटिया ने आज पहली बार, मतलब जब से इतनी बड़ी हुई है तो ऐसे हर बार बोलते थे गुनगुन रुक जाओ गुनगुन रुक जाओ, लेकिन हर बार बोलती थी कि नहीं भाई हमें तो जाना है जाना, लेकिन आज पहली बार गुनगुन ने कहा है कि भाई हमको नहीं जाना है। लेकिन इनकी मम्मा है कि वो जिद कर रही कि इनकी कोचिंग छूट रही, कोचिंग जाना पड़ता है। तो हमने कि चलो भैया ठीक है, पढ़ाई की बात है तो हम थोड़ी ना मना कर सकते, तो नहीं भैया ले जाओ। तो आज गुनगुन देखो उदास है बिल्कुल। देखो तो दीदी बैठी, दीदी राधे राधे, चलो तुम्हें तो छोड़े हैं है? इन्हें तो कल से छोड़ भी जा रहे हैं, हम फिर भी नहीं जा रहे। कहते देखो पूड़ी बना रही मम्मी, हमारे यहाँ मतलब नियम हो जो कि अगर बहन जाए तो उनके लाने मतलब खाना बना के भेजने आओ काम ही ठीक है हमने राधे राधे। देखो भाई मम्मी भी रो रही, अब विदा भी नहीं भाई। देखो निधि भी सामने बैठी, ये भी कौ रो रही है। तो गाइस देखिए हमारी छोटी बहन जी का भी बैग लग चुका है। दीदी जी राधे राधे, कहाँ कितने जा रहे हैं? डबरा ना जाओ तो 6 महीना बाद ले भैया, इतना लंबो टिया देखे जा सीखने लगा 6 महीना बाद आएंगे हमें। तो गाइस देखिए विदाई हो रही है, गुनगुन का तो टीका हो गया। पैसा ना दिए ना ये तो पैसा वा है। तो गाइज देखिए आज गुनगुन जा रही हैं, आज एस्को बहुत बुरा लगना है, आज खेलने के लिए कोई नहीं मिलेगा। और देखो गुनगुन भी जा रही तो गुनगुन को भी शायद कोई नहीं मिले खेल भी। अब कहा गुनगुन बुरा लग रहा हो तुम्हें हैं? बुरा लग रहा हो? एस्को भी बुरा लग रहा हो आज। अभी ये तैयार को करे चोटी को बनाए, हमारी तुम्हें चोटी बनाने अबे और या सुखी बनाने चोटी, आपकी चोटी बनाओ बताओ को बनाए चोटी फिर। तो गाइस गाड़ी निकाल ली है और जो थैला हमने बगल में बांध ला जो आगे रख ला। चलें दीदी कहाँ खड़ू रहे तो गाइज हम लोग पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं, अब इंतजार करते हैं बस का आने का। देखो गुनगुन दीदी हमारी बैठी हैं, गुनगुन दीदी तो आज उदास हैं बिल्कुल। कहा बिट्टू, बिट्टू देखो इतने देखो, हम 5-6 दिन में आएंगे ठीक है, हम और मामी और एस को भी लुवा ले आए ठीक, फिर तुम हमारे साथ होते ऐसे आ जाइयो हैं। तो गाइज हमने तारा को इस वाली बस में बैठा लिया है, अब वहाँ पे जीजा जी मिल जाएंगे तो वो तो निकल गए, चलो हम भी जाते हैं हम घर। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं घर पे और देखो जी अकेली बैठी, दीदी अकेली बैठी आज तारा तो क्या कर, तो जाने तो हाथों ही होने का इतनी बनी रहती हूँ। तो गाइज देखिए गुनगुन चली गई, तारा चली गई, सुजय अपनी जगह बैठी, इतने को नहीं है और अकेली बैठी बैठी जो जने का लगा रहे बालन में, का लगा लो बालन में जो कैसा लग रहा हूँ। टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास हो जाता।
टाइम पास नहीं हो रहा, सब कुछ ना कुछ काम देख ठलवाई को मैं भी डाल ले। चलो ठीक है। तो गाइस जीते अकेले बैठे हैं और हम भी बाड़े में निकल गए थे सुबह से, तो होदी नहीं भरी थी, तो पापा बोले होदी मोदी भरवा दो, तब बोर के लाने लाइट भी नहीं जा रही थी, लाइट दिखवाई सुबह से, और पूरा मतलब समय सुबह से 12 बजे तक पूरा समय उतना ही व्यतीत कर लो ना, तो मतलब ब्लॉग बनाने की इच्छा हो रही थी क्योंकि छोड़े आए तो मतलब बहुत बुरा लग रहा हो, तो ये वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उतना ही मोटर मोटर चला के होदी भर दी, नहाओ नहाए के बाद फिर घरे आए, खाना खाओ, खाना खाए के बाद देखो सुझे देखो इतने बैठी मिली हमें, और बड़ी दीदी सुबह से चाचा हन के तो चली गई थी, सो बेबी अभी आई हूँ तैसे, तो और अजीब सो लग रहा हो, तो अब चलो हम दिखा रहे हैं आपको, वो बकरी में है शायद, और देखो तो मम्मी बैठे, दीदी आ गई, सो दीदी तो बैठे, और सब जने मतलब अलग अलग बैठे, कोई इकट्ठे नहीं बैठ रहा। आज बहुत बुरा लगा है, आज एक मीटिंग में से एक आदमी चला गया, बहुत बुरा लगा। और यस के देखो वो तो दिखाई नहीं रहा, यस के नहीं होते जो अभी बाहर, वो को भी मन ना लग रहा हो जे आज, हम तो देखो कल चले गए थे जुआर, सुबह तो हमने बता दई चाचा के तो चले गए थे, अब आज तो पक्के में चले गए, आज अपने घर चले गए पक्के में। तो वो ज्यादा बड़ा लगे। अबे तो चलो देखे कि दीदी हैं, सो देखो मम्मी बैठी हैं, ना तो फैसले ने कहा उसमें बात ही नहीं करना। सास बहू तो हैं, अरे सास बहू तो ऐसी आ गए, रोज की आए, रोज मिल रही, रोज बैठे आए, तो ऐसी बिटिया मिल जाऊ। अच्छा तो सही है, सास बहू में ज्यादा पिया है, तो लाड़ पिया है, अब मोड़ी आओ दे, मोड़ी तो रोज ना मिल रही है, और जीवा सही है, सास बहू को 24 घंटा ये भी जगा रहना है, सही बात है, उनको 200 पिया है। चलो सही है, तो चलो हम तुम्हें ब्लाउज डलवाया है, गाइस देखिए जो लोग बैठ चुके हैं टेलर साहब के थे, और देखो बढ़िया बढ़िया टीवी भी चल रही थे, पुराने सॉन्ग चल रहे, बढ़िया एंजॉय करो। तो गाइज दीदी हमको छोड़े आए हम उतर ही, क्योंकि दीदी बता रही थी कि अब लग जाने हमें 2 घंटा, तो वो मतलब बैठ के अपने कपड़ा वपड़ा बनवा रही, तो हमने चलो भैया जोनों तक हम घरे जा रहे, क्योंकि वीडियो भी अपलोड एक्सपोर्ट करने थी, तो हम घरे भग गया, और देखो घड़ी में देखो टाइम कितना होगा, तो गाइज 3 बज चुके हैं, और दीदी कह रही थी कि जब भी मतलब कपड़ा बन के तैयार हो जाए, सो हम आपको फ़ोन लगा दें, सो हमें लवा ले जाइए, वे मतलब ज़्यादा दूर नहीं आई थी, रोड ही पे हैं जहाँ से साड़ी ली थी, नहीं कि जस्ट बगल में बेबी बनाओ, लेकिन बे अब नहीं बना पा रहे थे, तो दूसरी जगह डलवा दें हमने, तो जब भी फ़ोन लगा दें तो दीदी को फिर लवा लें, मम्मी भी उतरी हैं। तो गाइज देखिए आज ऐस तो अकेले अकेले खेल रहा है, इनकी जब पूरी टीम टप्पर रखो, और देखो आज अकेले खेल रहा बेचारो, कोई नहीं है उसके पास, क्या भैया बुरा तो नहीं लग रहा, ऐन लग रहा, हाँ तो फिर क्या करें, गुनगुन हम बुलवा दें, चलो ठीक है, चलो भैया कोई नहीं, चलो तुम खेलो है, फिर लवा ले हम गुनगुन। तो गाइस दीदी ने लगवाया था फोन कि भैया हमें ले जाओ, तो चलो चलते हैं दीदी को लेने, उनके शायद कपड़ा बन गए होंगे। तो गाइस देखिए हमें इनने फोन लगवा दो, तो इतने बैठे बैठे देखो टाइम पास कर रहे हैं, मैं तो बढ़िया टीवी देख रहे हैं, देखो जब भी हमने आपको दिखाई थी अभी चल रही, मम्मी तुम कह रही थी जल्दी आ जाओ, साड़ियों पे सिलाई डल रही, चलो ठीक है हम ठीक चले गए थे ना, तो तुम्हारे इंतजार में थे बैठे बैठे आधे सूख जाते, हाँ हाँ ठीक ठीक है जल्दी कर लो तुमने। तो गाइस देखिए हम आ चुके हैं घर पे, निधि का चल रहा है काम, देखो तो कितनी साड़ी गंदी कर लेती है, कैसे पहना जी साड़ी, मुझे समझ में नहीं आती, गंदी नहीं आती, हम एक एक पहन के रख रहे हैं, तो मैं काय हूं वैसे रख देने को दे, मैं समझ में रखना नहीं आता, अच्छा शादी की तो रखी ना हमारा, तो देखो भैया एक जोड़ी कपड़न में हमका 4-5 दिन निकाल ले गए, तुम्हारी बात लग गई, हम तो हमें तो बदल बदल कर जाने यार, हम तो ठीक का माता जी लेकमी को देगा, अरे वो हमेशा ही है, वो हाथ को परो, हाथ को परो, अरे बड़ी जान पा गई थी, बहुत अच्छा का जाए है, अरे वो लगा लो बहू को नहीं लगा पाओ, लेगमी को हां सब को हम को लगा पाओ, तो ऐसे सीख सी बने हूं मैं, हाँ। तो बोले लगा पाओ, काठकानों को गुच जाए आंख में, जैसे गुच गए आंख में तो आंख को पहुंचाते रहते रहो, सही जल्दी लगा लो, तेन तुम्हारे इंतजार में बैठे सब लोग जा रहे हैं। तो गाइस देखिए दीदी बैठी हैं और मम्मी अपनी चोटी बना रही हैं, मम्मी को जाना है अपने मतलब फ्रेंड के थे स्वागलन में, काम में
तो मम्मी तैयार हो रही हूँ तो जाने के लाने। और देखो पापा बैठे हैं जीना की अलमारी में। देख देखो जे इतने खड़े, जे इतने इसे खड़े हो, जे इसे शर्मा रहे कि अब पापा ने एक चाचा कह दे कि बोले एस अपनो कितने साल को होगा। तो दीदी बताने लगी कि 12 साल को होगा। तो पापा कह रहे बस 4 साल है और रुक जाओ और 4 साल बाद शादी करने। तो देखो कितना शर्मा रहा, आय हाय आय हाय, बहुत शर्मा रहा होते तो इतना मुंह तो दिखा दे। तो गाई जी एक बात कह दी पापा ने, मतलब कहीं तो वैसी मजाक ही में है कौन कर रहा हो शादी, तो लेकिन उखो देखो इतनी शर्म आ रही कि वो साड़ी से मुंह दुखा रहा है। भैया देखो मम्मी की चोटी देखो फैला कर, देखो मम्मी की चोटी ऊपर से मोटी 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 ने से देखो कितनी पतली हो गई। देखो वो नजदीक से दिखा रहे हो, देखो मम्मी का बनावे लगी जो अभी तक छोड़ देती तो। देखो गाई जितनी चुखज्जा की पूछ रहा थे ऐसी है। अच्छा अच्छा चलो सही है, लेकिन जो इतनी सी पूछ। देखो भाई यस कितना हंस रहा। तो गाइस देखिए मम्मी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, अब जा रही जी गोरन्या, वो गोरन्या का स्वागलन में। हाँ ठीक है चली जाओ जल्दी आ जाइए, शाम हो रही। तो गाइस देखिए महाराज जी कर रहे हैं संजा, शाम का टाइम हो चुका है। तो गाइस देखिए हम जब तक चले गए बाड़े में भैंस लगवा के लाने, तब तक मम्मी आ गई घर। और देखो आके दूध की मलाई निकालन लगी, देखो कितनी खुश हो रही। आ तो खूब माल पानी मिलो है, बहुत माल पानी यार खाया है, बहुत माल पानी, बहुत दम से, बहुत दम से। हाँ। ओ भैया देखो तो कितने तो टीका लगे, ओ भैया तो लगता ही है टीका। मेहंदी लगी एक हाथ में, वाह वाह खूब स्वागत हो। ठीक है तो गाइज इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। तो गाइज कैसा लगा हमारा ये वीडियो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।